हाय फ्रेंड्स, क्या कर रहे हो सब लोग? मैं तो बस सोच रही हूँ कि आज पिज्जा खाने का बहुत ही मन है, लेकिन पिज्जा ब्रेड, पिज्जा डो अभी मेरा तैयार नहीं है। तो कैसे पिज्जा बनाया जा सकता है? तो मैंने सोच लिया कि क्यों ना ब्रेड पिज्जा बनाए तावा पे। तो चलो आज बनाते हैं ब्रेड पिज्जा ऑन तावा। मैं जानती हूँ पिज्जा सभी को पसंद है, तो चलो देखते हैं कैसे बनते हैं ब्रेड पिज्जा ऑन तावा। तो ब्रेड पिज्जा ऑन तावा बनाने के लिए मैंने लिया है इधर पे ब्रेड, ब्रिटानिया मल्टीग्रेन का ब्रेड है ये। इसके साथ ही साथ मैंने लिया है टमाटर चॉप्ट किए हुए, इसके साथ साथ रेड येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, कैप्सिकम एंड यह है ऑनियन, ये भी मैंने चॉप्ट कर लिया है। इसके साथ साथ मोजरेला चीज़, पिज़्ज़ा बना रही हूँ ना तो ब्रेड का हो या जिसका भी हो मोजरेला चीज़ तो चाहिए ही। और मैं और भी मेल्टिंग वाले और भी चीज़ ही पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने इधर पे चीज़ स्लाइस भी ले लिया, अमूल का जो मिलता है वो। और इसके साथ साथ मैंने लिया है पिज़्ज़ा एंड पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस, वो मार्केट में अवेलेबल है, जो वही मैंने ले लिया। ये मिक्स्ड हर्ब्स है, मिक्स्ड हर्ब्स पिज़्ज़ा में तो डालते ही है, उससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है, एक अच्छा ऐसा खुशबू निकल आते हैं। इसके साथ साथ पिज़्ज़ा सीजनिंग, ये भी बहुत ही अच्छा खुशबू देता है एक। और मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, ये मेरा टेस्ट है, ब्लैक पेपर पाउडर देने से मेरे को अच्छा लगता है तो मैं डाल देती हूँ। और इसके साथ साथ मैंने लिया है मायोनीज, ये एक ग्लेज मायो है। और इसके साथ साथ मैंने लिया है अमूल का बटर। तो चलो बनाते हैं ब्रेड पिज्जा ऑन तवा। ब्रेड पिज्जा ऑन तवा बनाने के लिए मैंने तवा चढ़ा दिया और उसके साथ ऐसे ब्रेड को रख देती हूँ। इसको थोड़ा सा सेक लेना है। और अभी मैं ऐड कर रही हूँ बटर, बटर ऐड करके फिर से इसको ऐसे, बटर देने से ना एक अच्छा सा कलर आ जाता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी इसको पलट देना है। दूसरे को भी पलट देना है। पलटने के बाद ही मैं ऐड कर रही हूँ पिज्जा सॉस, ऐसे स्प्रेड कर दीजिए। मैं दूसरे का ऊपर भी पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है और अभी मैं ऐड कर रही हूँ मायो। और इसको भी फिर से स्प्रेड कर देना है ऐसे। और इसके ऊपर मैं अभी ऐड कर रही हूँ ये चीज स्लाइस। अभी मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑनियन, थोड़ा सा येलो बेल पेपर, दूसरे को भी, कैप्सिकम। दिखने में कितना कितना अच्छा लग रहा है ना, रेड बेल पेपर। और इसके साथ ही साथ मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर, दिखने में अच्छा लग रहा है ना।
अभी इसके ऊपर से मैं ऐड कर दूंगी मोजरेला चीज़, तो मेरे को बहुत पसंद है तो मैं बहुत ज़्यादा ही डालती हूँ। इसके ऊपर भी डाल दिया। अभी मैं इसके ऊपर से ऐड कर रही हूँ ऐसे पिज़्ज़ा सीजनिंग, इससे और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। और अभी मैं डाल रही हूँ पास, ये है मिक्स्ड हर्ब्स। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा नमक, एकदम थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ में नमक रहता है, नमक ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिर भी मैं थोड़ा सा ऐड कर दिया। और अभी इसको ढक के 2 मिनट के लिए पकाना है ऐसे। चीज़ हमारा धीमे धीमे से मेल्ट हो रहा है और वो दिख रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा ब्रेड पिज़्ज़ा ऑन तावा अभी रेडी है, अभी सर्व कर दूंगी। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरे को तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलो सर्व करते हैं। मैंने इसको सर्व कर दिया, कैसा लगा है मेरा ये ब्रेड पिज़्ज़ा ऑन तावा? अगर अच्छा लगे ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे बेल बटन को भी दबा देना इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।